नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो कि दोस्तों 2 अगस्त से 6 अगस्त के बीच ओपन रहेगा। इस वीडियो में हम दोस्तों इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, हर एक एस्पेक्ट को देखेंगे। तो अगर आप इस आईपीओ में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2017 में, और दोस्तों ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, जो कि दोस्तों प्राइमरली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करती है और साथ ही दोस्तों कोर कंपोनेंट्स भी मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि दोस्तों बैटरी पैक्स है, मोटर्स है, व्हीकल फ्रेम्स है। तो इस प्रकार दोस्तों ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, जो कि दोस्तों मेनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करती है, साथ ही जो इसके कोर कॉम्पोनेंट्स है उनको भी ये मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगा रखी है जिसको ओला फ्यूचर फैक्ट्री नाम दिया गया है। इसके बाद दोस्तों इस आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये आईपीओ 2 से 6 अगस्त के बीच ओपन रहेगा। इस आईपीओ का अलॉटमेंट होगा 7 अगस्त को, रिफंड एंड डिमेट में शेयर आएंगे 8 अगस्त को, और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 9 अगस्त को, और इस आईपीओ में आप यूपीआई मैंडेट दे सकते हैं 6 अगस्त को 5 बजे तक। आईपीओ की प्राइसमेंट की बात करें तो इस आईपीओ का प्राइसमेंट है 72 रुपये से 76 रुपये पर शेयर। इन शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, और यहाँ पर दोस्तों लोट साइज है 195 शेयर्स का, यानी कम से कम आपको 195 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 6145.56 करोड़ रुपए है, जो कि दोस्तों प्रेस इश्यू और ओपन फॉर सेल के कॉम्बिनेशन में है। इसमें से दोस्तों 5500 करोड़ रुपए का प्रेस इश्यू है और यहाँ पर 6045.56 करोड़ रुपए का ओपन फॉर सेल है। यहाँ पर दोस्तों प्रेस इश्यू डायरेक्टली कंपनी को जाएगा, कंपनी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस फंड को यूज कर सकती है, लेकिन जो ओपन फॉर सेल है वो यहाँ पर दोस्तों प्रमोटर्स को जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो प्रमोटर्स है वो अपनी यहाँ पर शेयर होल्डिंग को सेल करेंगे, जो कि दोस्तों कंपनी के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रमोटर्स को ही जाएगा, ये पैसा कंपनी के लिए काम आने वाला नहीं है। आईपीओ में एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट भी अलाउ किया गया है, 7 रुपये पर शेयर का यहाँ पर एम्प्लॉयज को डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय है तो आप एम्प्लॉय सेक्शन से आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आपको 7 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। आईपीओ की लिस्टिंग बीएससी और एनएससी पर होगी, और इस आईपीओ में रिटेल के लिए 10% का कोटा है, एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पर 0.10% का कोटा है, और यहाँ पर एचएनआईज के लिए 15% का कोटा है। तो रिटेलर्स के लिए कम कोटा देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों 6100 करोड़ रुपए से ऊपर का आईपीओ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अलॉटमेंट आसान होने वाला है, क्योंकि अगर आप रिटेल कैटेगरी में एक से ज्यादा एप्लीकेशन लगाते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आपको यहाँ पर अलॉटमेंट के चांस ज्यादा होंगे। अगर आप 5 एप्लीकेशन लगाते हैं रिटेल से अलग अलग डीमेट अकाउंट से, तो यहाँ पर दोस्तों डेफिनेटली 1 से 2 में आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों 6100 करोड़ रुपए का आईपीओ काफी बड़े साइज का आईपीओ है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफी ज्यादा होने वाले हैं। आईपीओ में इंपोर्टेंट लोट साइज की बात करें तो रिटेल के लिए दोस्तों मिनिमम 1 लोट है, जिसमें आपको 195 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है, 14,820 रुपये का अमाउंट ब्लॉक होगा। स्मॉल एचएनआईज की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 14 लोट है, 2,730 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है, और 2,07,480 रुपये का अमाउंट ब्लॉक होगा। बिग एचएनआईज की बात करें तो बिग एचएनआई के लिए मिनिमम 68 लोट्स है, 13,260 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है, और 10,07,760 रुपये का अमाउंट ब्लॉक होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग कैटेगरी में अगर आप आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं तो इन लोट साइज को जरूर ध्यान में रखिएगा, इन लोट साइज के हिसाब से आपको आईपीओ में अप्लाई करना है। लेकिन दोस्तों एक बात को आपको ध्यान में रखना है, आपको केवल एक ही कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई करना है, चाहे आप एचएनआई में कर दीजिए चाहे आप रिटेल में कर दीजिए, 2 कैटेगरी में आपको एक साथ आईपीओ अप्लाई नहीं करना है, वरना दोस्तों आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, उसमें आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2024 के बीच में कंपनी की जो टोटल असेट्स है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रही है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू दोस्तों कंपनी का लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों रेवेन्यू को अगर हम 23 से कंपेयर करेंगे तो 23 के कंपेरिजन में दोस्तों इस कंपनी का जो रेवेन्यू है 88.42% से बढ़ा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप कंपेयर करके भी देख सकते हैं कि 23 के कंपेरिजन में कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट में कंपनी नेगेटिव है, यानी कंपनी ने अभी तक प्रॉफिट की शक्ल भी नहीं देखी है, लगातार कंपनी लॉस करती जा रही है। 21 में यहाँ पर आप देख सकते हैं 199.23 करोड़ रुपए का लॉस था, जो कि दोस्तों 22 में बढ़कर 784.15 करोड़ रुपए हो गया, 23 में और बढ़कर 1472.08 करोड़ रुपए हो गया, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 24 में भी कंपनी का जो लॉस है वो यहाँ पर बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, 1584.40 करोड़ रुपए हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का जो लॉस है वो लगातार बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी दोस्तों लगातार बढ़ रही है, लेकिन दोस्तों कंपनी ने अभी तक प्रॉफिट नहीं किया है, प्रॉफिट की कंपनी ने अभी तक सकल
नहीं देखिए लगातार इसके लॉसेज बढ़ते जा रहे हैं, वो दोस्तों फंडामेंटल इश्यू क्या है कंपनी का वो कंपनी को पता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लगातार कंपनी का जो लॉस है वो यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। फाइनेंशियल्स हमें साफ साफ दिखा रहे हैं कि कंपनी की रेवेन्यू बढ़ रही है, टोटल असेट्स बढ़ रही है, लेकिन दोस्तों कंपनी ने अभी तक प्रॉफिट नहीं किया है, कंपनी लगातार लॉस में रही है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी के लिए बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, इतना बड़ा आईपीओ है, इतनी बड़ी कंपनी, जिस प्रकार का इसका प्रचार किया जा रहा है उस हिसाब से दोस्तों इसकी हमें प्रॉफिट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। अलग अलग सेक्टर में कंपनी काम करती है, यहाँ पर दोस्तों केवल ये मोबिलिटी सेक्टर में नहीं है, और भी सेक्टर में कंपनी काम करती है, लेकिन किसी भी सेक्टर से कंपनी को यहाँ पर अब तक प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जो कि दोस्तों इसके लिए बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। नेटवर्थ की बात करें तो 2019.34 करोड़ रुपए हैं, रिजर्वन सरप्लस नेगेटिव है क्योंकि दोस्तों कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, और यहाँ पर दोस्तों टोटल बोरिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा है, 2389.21 करोड़ रुपए की बोरिंग्स है, जो कि दोस्तों रिजर्वन सरप्लस बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इस पर डेट भी है, डेट टू इक्विटी रेशियो से देखेंगे तो भी हमें पता चलेगा कि कंपनी ने डेट बहुत ही ज़्यादा एक्वायर कर रखा है। तो फाइनेंशियल्स दोस्तों उतने अच्छे नहीं है, यहाँ पर दोस्तों कंपनी लगातार लॉस कर रही है, ये कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ना इसके पास रिजर्व है, ना यहाँ पर दोस्तों इसके पास कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट है। यहाँ पर दोस्तों रेवेन्यू का सपोर्ट जरूर है, लेकिन कंपनी की बोरिंग्स भी लगातार बढ़ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपेयर करके 21 में 38 करोड़ थी, 750 करोड़ हुई, और उसके बाद दोस्तों 1645 करोड़, और इस बार दोस्तों यहाँ पर 2389.21 करोड़ रुपये टोटल बोरिंग्स है, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल्स उतने अच्छे नहीं है। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पी है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने अब तक लॉस किया है, अब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आई है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पी रेशियो नेगेटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी का आरओई और आरओसी है वो भी नेगेटिव देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर हमें पी भी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों ईपीएस आप देख सकते हैं नेगेटिव है, और यहाँ पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी नेगेटिव है, और प्रॉफिट टू बुक वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं 13.72 है, जो कि दोस्तों पीयर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल्स भी उतने अच्छे नहीं थे, और यहाँ पर दोस्तों वैल्यूएशन भी उतना अच्छा नहीं है, सारी जो फिगर्स है वो हमें यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिल रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 33,521.75 करोड़ रुपये है, काफ़ी अच्छा मार्केट कैप है, लेकिन दोस्तों सारे जो आंकड़े यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं वो नेगेटिव है, एक भी हमें पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये दोस्तों कंपनी के लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई रही है, और यहाँ पर दोस्तों लोगों से जो पैसा मांग रही है वो 6100 करोड़ रुपए से ऊपर का फंड मांग रही है, और यहाँ पर दोस्तों कंपनी के आंकड़े उतने अच्छे नहीं है कि यहाँ पर लोग इसको 6100 करोड़ रुपये दे दे। आखिर हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में इसका सब्सक्रिप्शन किस प्रकार का होता है, उसके बेस पर हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी यहाँ पर जो फंड मांग रही है लोग उसको देने के लिए तैयार है या नहीं, वो हमें सब्सक्रिप्शन से पता लग जाएगा। अब दोस्तों इसको पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों पीयर कंपैरिजन में कहीं ना कहीं हमें महंगाई लगेगा, यहाँ पर नेगेटिव सारी फिगर्स है, लेकिन दोस्तों फिर भी हम पीयर कंपैरिजन करके देख लेते हैं, कहीं ना कहीं कंपनी का हमें पता चल लग जाएगा कि पीयर में जो कंपनी है वो कितनी ग्रो कर रही है। तो इसको अगर हम पीयर से कंपेयर करें तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 69 के पी पर लिस्ट है, आयसर मोटर लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 36 के पी पर लिस्ट है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 29 के पी पर लिस्ट है, और हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 27 के पी पर लिस्ट है। सारी फिगर हमें पॉजिटिव देखने को मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों आप ईपीएस भी देख सकते हैं, ये नेगेटिव है, सारी पॉजिटिव है, और यहाँ पर आप रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी कंपेयर करके देख सकते हैं, यहाँ पर 78.46% नेगेटिव देखने को मिल रहा है, और बाकी जो कंपनीज है इनको यहाँ पर आप कंपेयर करके देख सकते हैं, सारी फिगर हमें पॉजिटिव देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल्स में उतने अच्छे आंकड़े हमारे पास नहीं है, वैल्यूएशन भी उतना अट्रैक्टिव नहीं है, जो भी कंपनी ने प्राइसमेंट अनाउंस किया है वो हमें महंगा लगेगा, क्योंकि दोस्तों कंपनी के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद दोस्तों आईपीओ लेने के ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर कंपनी ने मेंशन करे हैं, इसमें एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा यहाँ पर है रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स, तीसरा यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट इंटू रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, चौथा यहाँ पर है एक्सपेंडिचर फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव, और पाँचवा यहाँ पर है जनरल कॉरपोरेट परपजेज। अब हम दोस्तों अंत में इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है और इस आईपीओ से हम कितना लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 8 रुपये चल रहा है, जो कि दोस्तों रफली 10% के आसपास है। यहाँ पर दोस्तों हमें लगातार ग्रे मार्केट में प्रीमियम गिरता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 21% की डिमांड में 30 जुलाई को देखने को मिल रही थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें लगातार प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 हुई, उसके बाद 9 हुई, इसके बाद आज हमें 8 देखने को
मिल रही है। तो ग्रे मार्केट में दोस्तों लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, प्रीमियम उतने अच्छे यहाँ पर नहीं है। पहले यहाँ पर जरूर अच्छी डिमांड थी लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों लगातार प्रीमियम में गिरावट के बाद यहाँ पर दोस्तों हमें उतने अच्छे ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। फिलहाल की कंडीशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 8 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और इस IPO का जो लोड साइज है वो 195 शेयर्स का है। 195 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर दोस्तों हमें 1560 रुपये का लिस्टिंग गेन आज की कंडीशन में सो हो रहा है, जो कि दोस्तों उतना अच्छा लिस्टिंग गेन नहीं है। 10% से ऊपर की डिमांड यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है लेकिन दोस्तों ये गिरावट होते होते 0 भी हो सकती है और नेगेटिव में भी IPO लिस्ट हो सकता है। अगर 20% से ऊपर की डिमांड सस्टेन होती है तो यहाँ पर दोस्तों लिस्टिंग गेन के हिसाब से एक अच्छा IPO हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हमें लगातार प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से दोस्तों IPO उतना अच्छा जाने वाला नहीं है। फिर भी दोस्तों अगर आपको ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक लगती है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। आपका पैसा है, आपको अपना डिसीजन लेना है। किसी दूसरे के कहने से आपको यहाँ पर IPO में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ना ही आपको ग्रे मार्केट को देखकर IPO में इन्वेस्टमेंट करना है। कंपनी को देखना है, कंपनी के बिजनेस को देखना है, कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स को देखना है और उसके बाद ही दोस्तों आपको IPO में अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। तो इस प्रकार दोस्तों ये IPO से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हैं। और अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको फ्यूचर में भी IPO से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, देखते रहिए वेल्थ ट्रेजर।